गुलवर्गा सिटी के ब्रह्मपुर पुलिस स्टेशन लिमिट में अक्टूबर मंथ में कुछ लोगों ने एक शॉप से काफी सारे मोबाइल फोन चोरी किए थे। मोर देन 70-80 मोबाइल्स चोरी हुए थे। उसमें हमें पता चला कि ये जो चोर लोग चोर थे, ये थीफ जो थे, ये मुंबई के प्रोफेशनल थे। इनका काम जगह जगह से चोरी करके इन मोबाइल्स को सेल करना था। इन्होंने तीन जगह से बड़े लार्ज क्वांटिटीज में ऐसे मोबाइल चोरी किए थे। हैदराबाद से किया था, सूरत से किया था और यहाँ गुलबर्गा से किया था। उसके बाद ये इन सारे मोबाइल्स को ले जाकर वहां पर सेल करते थे एज ए सेकेंड हैंड बनाकर। इनके रिसीवर थे 4-5 लोग। उन सभी लोगों को कल अरेस्ट कर दिया गया और मोबाइल्स रिकवर कर लिए। इसमें अब तक टोटल 10 लोग का अरेस्ट हो चुका है। मोडस ऑपरेंडी इनका ये था कि ये शॉप्स में रात को जाकर दुकान का शटर वगैरह तोड़ के या किसी तरह से एंट्री करके लार्ज क्वांटिटी मोबाइल्स और उसके एक्सेसरीज लेते थे। उसके बाद ये मुंबई में अपने एक रिसीवर को सेल करते थे। वो रिसीवर क्या करता था, फिर फर्दर शॉपकीपर्स को सेल करता था। काफी सारे शॉपकीपर्स जो होते थे बोलते थे कि हम बिना जीएसटी के बिल के नहीं खरीदेंगे, तो ये फेक जीएसटी डॉक्यूमेंट भी बना के उनको देते थे ये शो करने के लिए कि वो जेन्युइन सेल कर रहे। अभी इनके पास हम लोगों ने अराउंड 20 मोबाइल फोन जो कि अभी सेल नहीं कर पाए थे ये लोग, वो रिकवर किए हैं और कुछ एक्सेसरीज रिकवर किए हैं। बाकी और भी मोबाइल्स जो ये सेल कर चुके हैं उसको भी रिकवर करने का हम ट्राई कर रहे हैं। एक्चुअली ये सारे लोग मुंबई के हैं। इनमें से एक ग्रुप का काम होता था थेफ्ट करना, फिर उसके बाद दूसरे ग्रुप का काम होता था, उसमें से एक मीडिएटर होते थे, एक दो लोग वो इनके जो गुड्स होते थे उनको रिसीव करते थे। फिर उसके बाद उनका काम होता था उनको जो शॉप्स हैं, छोटे शॉप्स हैं स्पेशली जो मोबाइल रिपेयर का या सेकेंड हैंड मोबाइल बेचते हैं, उनके पास पहुंचाना। दुकान के ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि अब थोड़ा सा सेफ्टी का ख्याल रखें। वही इंश्योर करें कि कोई एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट ऐसे खुला ना छोड़ दें। सीसीटीवी का हम हमेशा बोलते हैं कि सीसीटीवी लगा कर रखें। इसमें जो शॉपकीपर थे उन्होंने सीसीटीवी लगाया हुआ था, तो उससे हमें काफी हेल्प मिली। हमें पता चला कि हाँ ये थीफ हैं, इससे फिर आइडेंटिफाई करने में आसानी हुई। तो सीसीटीवी वगैरह लगा कर रखें, साथ में अपना जो भी शॉप है उसका इंश्योरेंस वगैरह वो रेडी रखें, बाद में उनकी काफी हेल्प होती है।